हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट विद रियलिस्टिक ग्राफिक्स। तो यार सबसे पहले हम अपना न्यू वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, एंड जो हम अपने वर्ल्ड का नाम है ना वो रखने वाले हैं स्काई ब्लॉक, सिंपल सा। एंड यहाँ से न्यू वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, बिल्डिंग टेरिया। एक सेकेंड, क्या माइनक्राफ्ट अपडेट हुई है क्या? पहले कुछ ऐसी लोडिंग दिखाता था, बट जैसा कि देख सकते हो जनरेटिंग ब्लॉक्स, डर्ट, ग्रास, एकदम ऐसा लग रहा है भाई फ्यूचर की माइनक्राफ्ट में आ गए हम। वाव यार, जनरेटिंग रियलिस्टिक आर्म्स, हमारे हाथ आ रहे हैं क्या? मुझे लगा कि भाई ऐसी मजाक कर रहे हैं, बट जैसा कि देख सकते हो हमारे एकदम भाई रियलिस्टिक, एकदम चार पांच उंगली वाले हाथ हैं। जनरेटिंग डायनामाइक लाइट्स, और जैसा कि देख सकते हो कितना ज्यादा एपिक लग रहा है यार। लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पर हम स्पॉन हो चुके हैं, और जैसा कि आपको पता है भाई, जैसे हम वर्ल्ड में स्पॉन होते हैं तो हमारा फर्स्ट वर्क होता है सबसे पहले वुड चॉप करना। तो यहाँ पर इसको मतलब कैसे टूटेगा, घुसंड मार के, बट अपने को डैमेज पड़ा इससे भाई, हाथ में पूरी खरोचे लग गई। बट इसको सबसे पहले तोड़ते हैं, क्योंकि हमें यार अपने टूल्स बनाने होंगे, और ये हमारी मुक्के भाई काफी ज्यादा सही है यार ये। अब इसको लेते हैं, और एक सेकंड, हमारे पास क्या कोई सुपर पावर है क्या मैग्नेटिक वाली? और अबे ये पेड़ गिर गया यार, ये तो रियलिस्टिक फिजिक्स के साथ भी है। बट कुछ नहीं होता यार, अब देखते हैं आगे क्या होगा। बट इससे मुझे इन्वेंट्री खोलने की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि देख सकते हो मैंने हाथ में ही अपने प्लैंक्स और जो भी स्टिक विस्टिक होती है वो सब बना लिया है, और भाई क्राफ्टिंग टेबल भी हमारी क्राफ्ट हो चुकी है। तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, एंड ये वाला जो वुड है मुझे इसको चॉप करना है, जिससे कि मैं और भी काफी सारे टूल्स बना सकूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार आखिर मैं दूसरा पेड़ उगाऊंगा कहाँ से, बट ठीक है यार, सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं। अब मैं क्या बनाऊँ मुझे ये देखना होगा, क्योंकि हमारे पास अब क्या है, मैं क्या बना सकता हूँ। सबसे पहले मैं प्लैंक्स बनाता हूँ, जो हमारे पास वुड्स है ना इसके मैंने प्लैंक्स बना लिए। लेट्स गो। तो मेरे को यहाँ से 4 प्लैंक मिल चुके हैं, अब इसको लेते हैं। अब यहाँ से ना मैं स्टिक बना लेता हूँ, क्योंकि आपको जो भी चीज़ बनानी है उसके लिए सबसे पहले जो वर्क है ना वो है भाई स्टिक। स्टिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही सब कुछ बनता है। और यहाँ से मैंने बना लिया एक शोवेल, जिससे कि मैं थोड़ी बहुत, वैसे शोवेल की मेरे को पता है ज़रूरत नहीं थी, बट कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मैं गड्ढा कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर लावा और पानी भी चाहिए होगा ना, जिससे कि वो होगा क्या बना सकते हैं, कोबल स्टोन फार्म बना सकते हैं। और यहाँ पर बारिश हो रखी है, बिजलियाँ कड़क रही है, पानी भी भर गया हमारा, नाइस यार। बट एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है ज़ॉम्बी आ गया। नहीं नाउ, इसका मतलब क्या है? ओ भाई साहब कितना ईजी है ज़ॉम्बी को मारना, एक हिट में मार दिया भाई। रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट क्या गजब है यार, शोवेल से ही मार दिया मैंने उसको। और भाई ये ज़ॉम्बी की क्या हालत हो गई, सारे के सारे पुर्जे हिल गए इसके। व्हाट द हेक, यहाँ पर बिजली से जो पानी था वो लावा में कन्वर्ट हो गया। बट मैं कई सारे काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक और ब्लॉक डिक करते हैं, जिससे कि यहाँ पर पानी भर जाएगा। अब इससे मैं न्यू मतलब कोऑपरेशन फार्म बना सकता हूँ। अच्छा हुआ यार कि बारिश हो गई थी, जिससे कि यार हमें लावा भी मिल गया, पानी भी मिल गया। और एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ये वाला ब्लॉक डिक करता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना कोऑपरेशन फार्म बनाना होगा यार। वर्क कर जाइयो प्लीज। यस ओके गाइस, तो जो बारिश है वो बंद हो चुकी है, और अच्छी बात तो ये कि मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत कोबल स्टोन माइन कर लिए, जिससे कि मैं यहाँ पर फर्नेस बना सकूँ। अब इसका जो एनिमेशन है ना मुझे वो देखना है फर्नेस का, क्योंकि जो क्राफ्टिंग टेबल थी वो तो मैंने हाथ में बनाई थी, बट यहाँ पर मैंने बस मतलब हमने ब्लॉक रखे। ओके बट इस तरीके से सोना बनती है फर्नेस। बट यार देखते हैं, यहाँ पर भी रखते हैं ब्लॉक्स। अब बस मेरे को यहाँ पर 3 ब्लॉक रखने हैं, 1, 2, एंड जो लास्ट वाला है वो आएगा हमारे यहाँ पर। अब नहीं, ओ वाओ यार हमारी फर्नेस बन चुकी है, बस मेरे पास खाना तो है ही नहीं। हमारी चेस्ट के अंदर ऑब्सीडियंस पहले से ही है, तो यार हम नेदर में जा सकते हैं, बट उसके लिए मेरे को फ्लिंट भी तो चाहिए होगा, उसको बाद में देखते हैं। और हाँ, वुड भी हमें मिल गई, और इसको मैं क्या करूँ, इसको फेंक दें खा ले। वैसे हम इसको खाना भी खा सकते हैं, मतलब कच्चा खा लेंगे, बट अब यार इसमें कपड़े उतारने का ऑप्शन होता ना, मैं कपड़े फेंक देता ज़ॉम्बी के एंड फिर उसको पका लेता। बट यहाँ से मैंने इसको आग जला दी अपने प्लैंक्स के थ्रू। अब लेट्स गो। और गाइस जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपने पेड़ देखा ये हमारे चेस्ट में पड़ा हुआ था, तो मैं इससे ना वुड ले सकता हूँ, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो ये मैं यहाँ पर लगाता हूँ पेड़ को, अब ये उगता रहेगा एंड बाद में मैं इसको चॉप कर लूँगा अच्छे से। अब यहाँ से आगे चलते हैं, हमारा खाना भी पक रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है यार। जल्दी से मैं यहाँ से लेने वाला हूँ गाइज हमारे ऑब्सीडियन, क्योंकि अब मेरे को बनाना है नेदर। पता नहीं यार मेरे में चुल मच रही है नेदर में जाने की, वैसे तो मैं प्रिपेयर भी नहीं हूँ, बट मेरे को जब भी नेदर में जाना है। वाओ ये क्या हुआ था, एक सेकेंड, अबे टू बी कंटिन्यू। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर इस एंडरमैन ने हमारे ऑब्सीडियन क्यों ले लिए, बट हमने इसको थम्स अप दिखा दिया, हमारा दोस्त बन गया शायद से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो ऑब्सीडियन है मैं इनको यहाँ लगाने वाला हूँ, जिससे कि हम अपना एक जो नेदर पोर्टल है उसको क्रिएट कर सकें। तो एक मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ पर आ गया, तीसरा एंड चौथा लगा भाई। लेट्स गो भाई यार। अब तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ना भाई डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर है, हम किसी भी चीज़ को एकदम कंट्रोल कर सकते हैं भाई, एकदम एपिक तरीके से। लेट्स गो।
तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्सीडियन दो और आ गए एंड दो और अब यहाँ पर बस हमें तीन ऑप्सीडियंस लगाने हैं, सॉरी चार। तो फाइनली ये बन चुका है, बट इसको एक्टिवेट करने के लिए लावा अपने आप नेदर में गिर गया, मतलब पोर्टल में, और जो हमारा पोर्टल है वो एक्टिवेट हो चुका है। और ये कौन सी जगह पर आ गया, मैं सामने बहुत ही ज़्यादा लावा लावा है, बट कोई है तो नहीं ना यहाँ पर पिगलिन विगलिन। ओ भाई प्लीज़ घास छोड़ दे मेरे को, इस बार मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 मत मार, नहीं मारी शायद, नहीं मारी, थैंक गॉड थैंक गॉड। नहीं 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 तो गाइज यार मैं मर चुका हूँ शायद से, बट पता नहीं मैं यहाँ पर जिंदा हो गया। यहाँ पर स्केलेटन है जो कि मेरे को कुछ नहीं कह रहा, आराम से बैठा हुआ है वो, और मेरे साथ में ज़ॉम्बी है जिसके ऊपर शोवेल, अबे मैंने मारा था उसको स्टार्टिंग में, याद आ गया मेरे को। बट ये मेरे को मार क्यों नहीं रहे, एक सेकेंड। हेलो स्केलेटन, वो हाई कर रहे हैं वो, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और गाइस सामने की तरफ एक पोर्टल है जिस पर रिस्पोन लिखा है, मतलब कि हम यहाँ से रिस्पोन हो सकते हैं। और ये ज़ॉम्बी भी हमारा दोस्त बन गया भाई, मरने के बाद सब दोस्त बन जाते हैं क्या। अब यहाँ से बस मुझे रिस्पोन जाना है। अबे ये तो वही एंडर मैंने जहाँ तक मुझे पता है। और यहाँ पर हमारे विलेजर भैया भी आ चुके हैं, और ये ज़ॉम्बी को कुछ कह रहा है, भाई ज़ॉम्बी विलेजर को कुछ नहीं कह रहा, और ज़ॉम्बी रिस्पोन हो चुका है। अब यार मुझे भी जाना है रिस्पोन होने, बट अबे सामने भाग यहाँ से। अच्छा हमें इसको बताना है कि हम आखिर कैसे मर रहे हैं, तो यहाँ का शायद ये बॉडी गार्ड है कि हमें रिस्पोन करने का काम इसका ही है। तो भाई यहाँ से इसने हमें परमिशन दे दी। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं वापस से रिस्पॉन होने, लेट्स गो। ठीक है मैं रिस्पॉन हो गया, बट ये कौन सी जगह है यार, हमें तो स्काई ब्लॉक में होना चाहिए। एक सेकंड, मुझे कुछ ना कुछ तो यार गड़बड़ लग रही है कि आखिर हम यहाँ केव में कैसे आ गए यार, क्या होना चाहिए। वैसे यहाँ पर आयरन, और एक सेकंड ये मिट्टी है, ओ ग्रेवल गिर रही है, क्या ग्रेवल है क्या, नहीं मिट्टी है। चलो 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 कुछ नहीं होता, सबसे पहले यहाँ से आगे चलते हैं आराम से, लेट्स गो। और यहाँ पर कोल भी है जो कि हमारे काम आ जाएगा। और अबे मैं सही था भाई, यहाँ पर मिट्टी विट्टी शायद से ग्रेवल भी गिरने वाला है फिर तो, लेट्स गो भाई। यहाँ पर तो पानी भी आ रहा है, मैं डूब के ना मर जाऊँ भाई प्लीज़ यार। गया मैं शायद से, नहीं मरना चाहता मैं, क्या हो रहा है ये, मुझे लग रहा है कि गाइस यार मैं बेहोश हो गया था यहाँ पर, बट हाँ कुछ नहीं होता, मैं एकदम परफेक्ट सही है। और ये देखो कितनी ज़्यादा मात्रा में ग्रेवल गिर रखा है, और अगर मैं वहाँ दब जाता ना मैं ख़त्म था। और सामने की तरफ डायमंड है भाई, ये सही है यार। और यहाँ पर रेड स्टोन है सामने, वो गोल्ड है क्या, लैपिस लजूली, भाई काफ़ी सारे हो रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा कुछ। ओके तो मुझे ऐसा, ये गाइस वही ज़ॉम्बी जो नहीं जिसको हमने स्टार्टिंग में मारा था, जो खुद रिस्पॉन हुआ है, बट मैं मुझे पता है मैं इसको एक हिट में मार सकता हूँ क्योंकि पहले भी मैंने इसको एक हिट में मारा था, लेट्स गो। तो मुझे इसका हेड मिल चुका है भाई, खत्म भाई ज़ॉम्बी यार, बिना बात के मरने आ गया तू। अब गाइस ये जो आप डायमंड देख रहे हो ना, मुझे वो कुछ भी करके चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो इसको ही तोड़ने वाला हूँ, बट सबसे पहले इस वाले डायमंड को तोड़ते हैं, ये मारे धप्पा भाई, ये क्या हुआ, नहीं अबे वो लावा में चला गया यार डायमंड, ये तो गलत बात हो गई यार, जो हमें डायमंड मिलना था वो हमारे नसीब में नहीं है। अब क्या करूँ यार, मैं एक ही डायमंड था और वो लावा में चला गया, बट हाँ मैं आयरन कलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि आयरन भी काफ़ी ज़्यादा सही है। बट एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर डायमंड होगा, वो भाई नीचे की तरफ डायमंड है, मुझे लगा कि वो लावा के अंदर चले जाएगा, बट नहीं भाई हमारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। एंड जैसा कि देख सकते हो हमारे पास आ चुका है एक भाई रंग बिरंगा डायमंड, तो अब बस मुझे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना है। तो यहाँ से ये वाले जो ब्लॉक्स है मैं इसको तोड़ता हूँ, और ये देखो एकदम भाई रियलिस्टिक तरीके से तोड़ रहा है बंदा, वाव यार, मतलब कि जो ब्लॉक्स है ना वो भी एकदम टुकड़े टुकड़े में बट गए। यहाँ पर सबसे पहले लैडर लगाते हैं एक, और यहाँ पर लेट्स गो भाई। अब सबसे पहले गाइज यहाँ से ऊपर चलते हैं। फाइनली गाइज हम उस जगह से बाहर आ चुके हैं, एंड मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर मैं इस जगह पर कर क्या रहा हूँ, हमें यार स्काई ब्लॉक पे होना चाहिए था। बट इसमें यार एक बात तो है, क्राफ्टिंग का ना कुछ अलग ही हिसाब है। ये देखो मैंने ब्लॉक फेंक दिए, एंड यहाँ पर जो फर्नेस है ना ऑटोमेटिक एकदम क्राफ्ट हो गई, और यहाँ पर हमारे पास एक डायमंड शोवेल है, मैंने गलती कर दिया इसको बनाकर, मेरे को पता है वो बनानी चाहिए थी सोर्ड एक और डायमंड को ढूंढ कर, बट मैं यहाँ पर आ गया हूँ जिससे कि मैंने, यार ये ब्लॉक कौन सा है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, ये वाला मतलब कुछ अलग सा ही लग रहा है, ये स्नो है, हाँ ये देखो हमें स्नो मिल चुकी है, तो क्या ये स्नो को हम क्राफ्ट थोड़ी ना कर सकते हैं यार, या मतलब हम इससे कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। बट कुछ नहीं होता, सबसे पहले स्नो को मैं इसके अंदर रखता हूँ, ये स्नो ही है ना, ये कुछ और ना हो यार, गाइस क्या लगता है आपको। यहाँ सबसे पहले अब कोल रखते हैं, ये रखा कोल, अब बस मेरे को जलाना है कोल को, तो मेरे को टॉर्च ही होगी, लेट्स गो।
हमने इसको जला दिया। ये कोल, अबे ये स्नो पानी। ओके तो ये गाइस क्ले है, जैसा कि देख सकते हो हमारे पास क्ले बॉल्स हैं। अभी जो आप क्ले बॉल देख रहे हो इससे हम ईंटें बनाएंगे। अभी जो ईंटें हैं इससे बन जाएगा हमारा ब्रिक ब्लॉक। वाह यार, मतलब ये जो है काफी ज्यादा एपिक है। तो जैसा कि देख सकते हो हमारे पास जो ईंटें हैं वो आ चुकी हैं, तो इन सबको लेते हैं सबसे पहले। अब इन ईंटों को मेरे को बस यहाँ पर प्लेस करना है जिससे कि ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी एक ब्रिक ब्लॉक में। तो ये आ गया हमारे पास ब्रिक ब्लॉक। वाह यार, अब बस मेरे को अपनी जादुई शक्ति से इसको अपने पास लाना है। लेट्स गो गाइस, अब मैं इसको फेंकने वाला हूँ जिससे कि हम अपना एक अच्छा सा सुंदर सा एक छोटा सा, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हम अपना एक घर बनाने वाले हैं। और ये देखो हमने इसमें मतलब प्लैंक्स यूज करे हैं, कोबल स्टोन एंड जो हमारी ब्रिक ब्लॉक है वो यूज करा है। कितना ज्यादा स्वीट सा लग रहा है यार, इजी अमेजिंग था भाई ये सफर। बट मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर मैं स्काई ब्लॉक पे था और मैं इस जमीन पे क्या कर रहा हूँ। और बस मेरे को यहाँ पर एक डोर लगाना होगा कि क्योंकि अंदर ज़ॉम्बी ना आ जाए, वो मैं बाद में लगा दूंगा। गाइज यार आप मुझे बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो बस यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।